फैंसी कपड़ों की आई बहार, लेटेस्ट न्यू स्मार्ट लुक, मेन रोड चिनिया गढ़वा। हमारे यहाँ सभी प्रकार के जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, टॉप, कुर्ती एवं हर प्रकार के रेडीमेड वस्त्र उचित मूल्य पर मिलते हैं। हमारा पता है न्यू बस स्टैंड अशोक गुप्ता के घर के बगल में, मेन रोड चिनिया। मझियाव प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सोनपुरवा पंचायत के दलको गांव में जोरदार बारिश से कच्चा का मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। गौरतलब है कि ग्राम दलको वार्ड नंबर 8 के स्थानीय निवासी अमरावती देवी पति दिनेश विश्वकर्मा ने बताया कि अगस्त 2019 में मूसलाधार बारिश से मेरा कच्चा का मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, जिससे हमारे परिवार में कुल 8 सदस्य बाल बाल बचे। अमरावती देवी ने बताया कि मकान गिर जाने के बाद एक टूटा फूटा टाट पट्टी का झोपड़ा बनाकर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में जमीन पर ही सोते थे, ठंड लगने से हमने दो नतनी को खो दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए हमने कई बार वार्ड पार्षद को कागज दिया, परंतु स्थानीय वार्ड पार्षद के द्वारा मेरा कागजात आगे नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने बताया कि 2020 में तंग आकर तलसबरिया पंचायत मुखिया अमरुद्दीन अंसारी को दिया। उन्होंने मेरा घर का जायजा भी लिया, लेकिन मुखिया ने हवाला देते हुए कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मेरा कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वहीं अमरावती देवी ने बताया कि मेरा घर ध्वस्त हुए एक वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक मुझे प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार का कोई नुकसान सुनने वाला नहीं है। मैं एक गरीब परिवार पेशे से छोटा किसान हूँ, अच्छी तरह से परिवार का परवरिश भी नहीं हो पाता है, तो घर बनाने की तो बात दूर है। हमें इस झोपड़ी पट्टी से रहने में भय होता है। वहीं रणजीत विश्वकर्मा पिता दिनेश विश्वकर्मा ने कहा कि अंबेडकर आवास भी तत्काल मिल जाए तो हम लोग आवास बनाकर शांतिपूर्ण ढंग से रह सकें तथा दो वक्त की रोटी चैन से खा सकें।